उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के ट्वीट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर इस्तीफे की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गणतंत्र दिवस पर फेसबुक पोस्ट डाली गई, जिससे कि राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे परेड में, ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना लोहे की महिला थी और ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। उच्च शिक्षा मंत्री की इस पोस्ट के बाद बवाल शुरू हो गया है और कांग्रेसी कार्यकर्ता अब मैदान में उतर आए हैं। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उज्जैन में मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के नाम से चला रहे हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी के मंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं ने सीएम से मांग की है कि उच्च शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफा लिया जाए। विरोध में शहर कांग्रेस कार्यालय पर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। अभी घर घर चलो प्रोग्राम की मीटिंग थी, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पता लगा कि यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रमाता हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न राजीव गांधी जी, उनके मामले में कुछ आपत्तिजनक बातें अपने सोशल मीडिया पर कही है, तो हम लोगों ने सब वो देखी, उसकी स्टडी की और करने के बाद ये तय किया कि उसका हमें विरोध करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ नीचे आकर यहाँ पर विरोध किया और उसका प्रदर्शन किया। इस तरह की बातें मोहन यादव को, जो कि एक संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, उनको अच्छी नहीं लगती। उनके राष्ट्रीय शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, उनके आदर्शों पे चल के वो पूरे भारत में सफाई करने में लगे हैं, वो इधर ये मोहन यादव तो और कचरा बिखर रहा है उनके संबंध में, तो हम उसका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो मोहन यादव से कहते हैं कि इस बयान, इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर वे माफ़ी मांगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी और भारत रत्न राजीव जी के खिलाफ जो ट्विटर के माध्यम से जो पोस्ट किया, उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बात का विरोध करते हैं। मोहन यादव जी, पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पूज रहा है और इनके जो पिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी पूरे कहीं भी विश्व में जाते हैं तो उनको कहते हैं गांधी जी के देश से आए। तो आप पहले अपने जो पालक हैं नरेंद्र मोदी जी से समझ लीजिए कि वो किसको मान रहे हैं। एक तरफ आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9-9 साल तक जेल में रहे और संचार क्रांति से आज जो 21 सदी जो राजीव जी के नाम से पहचान है, राजीव जी के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं, शर्मसार किया है उज्जैन को। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करते हैं कि ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करें और इनके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे।
आज हमने शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में यह पुतला जलाया, ज्ञापन दिया और आगे भी हमारे चरणबद्ध आंदोलन होंगे कि इस तरह का बयानबाजी राष्ट्रपिता के बारे में, किसका पुतला जलाया, मोहन यादव जी का, हमारे योग कांग्रेस के साथियों के द्वारा। कुल मिलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, उज्जैन।